हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एसके प्रॉपर्टी चैनल। और मेरा नाम है सुशील मिश्रा। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और काफी पसंद किया मेरे वीडियोस को, उसके लिए थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, आगे एक और नए वीडियो और नए प्रोजेक्ट के साथ में, और जो आज हम बात करेंगे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, वो लोकेशन है मीरा रोड का। व्यूवर्स, ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका कनकिया लोकेशन में है, सिनेमैक्स के पास में बना रहे प्रोजेक्ट को, और जो बिल्डर है वो है वालचंद बिल्डर, काफी अच्छे रेप्यूटेड बिल्डर है, महिंद्र वेस्ट के काफी रेप्यूटेड बिल्डर है, उनका ही प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है मीरा रोड में कनकिया लोकेशन में। अगर जो प्रोजेक्ट है वो है वालचंद पैराडाइज, काफी अच्छी बिल्डिंग है, काफी प्राइम लोकेशन पे बन रहा है मीरा रोड कनकिया लोकेशन में। कनकिया ऑलरेडी डेवलप एरिया है, आपको नियर बाय में स्कूल, मार्केट, बैंक्स, हॉस्पिटल से सारी चीजें मिल जाती है। वालचंद पैराडाइज जो बिल्डिंग है वो IGBC सर्टिफाइड बिल्डिंग है, ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में आ जाती है, ये बिल्डिंग से अप्रूवल मिला हुआ है। जो प्रोजेक्ट है वो महारेरा से रजिस्टर्ड है, आप देख सकते हैं रेरा नंबर आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। प्रीवियसली मैंने वीडियो अपलोड किया था टॉप 3 बड़े कार्पेट के, जो वीडियो है आप देख रहे हैं, ये एक प्रोजेक्ट है वालचंद पैराडाइज। जो प्रोजेक्ट है ये आपका वालचंद पैराडाइज, ये टोटल 25 फ्लोर्स का बिल्डिंग बना रहे हैं और 2 विंग में बना रही है प्रॉपर्टी को। पूरा जो लेआउट है वो 2 से 2.5 एकड़ का लेआउट है और आपको काफी अच्छी एमिनिटीज मिलती है ये प्रोजेक्ट में। बात करते हैं एमिनिटीज के बारे में, यहाँ पे आपको मिल जाता है स्विमिंग पूल दिया हुआ है, क्लब हाउस बना रहे, बैंक्वेट हॉल है, मिनी थिएटर, किड्स प्लेइंग एरिया, जॉगिंग ट्रैक, स्पा जोन। प्लस यहाँ पे आपको क्लब हाउस में एमिनिटीज मिलती है, जैसे कि बैंक्वेट हॉल दिया हुआ है, देन आपका बैडमिंटन कोर्ट, मल्टी कोर्ट हो बोल सकते हैं आप उसको, देन आपका बार जिम दिया हुआ है, काफी यूनिक एमिनिटीज के साथ में आ रहे हैं यहाँ पे। और ये शायद से पहला ये प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे वर्चुअल गेम रूम बन रहा है, आपके बच्चों के लिए अलग से गेमिंग रूम बना रहे हैं बिल्डर। और भी मॉडर्न एमिनिटीज है, आप देखेंगे ये वीडियो में, मैं आपको दिखाऊंगा पिक्चर के थ्रू में, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 विंग है, ए और बी विंग है। जो फर्स्ट फ्लोर होगा इनका वहाँ पे जिमनेशियम दे रहे, देन स्पा जोन जो होगा फर्स्ट फ्लोर पे होगा। उस बिल्डिंग के क्लब हाउस में भी आपको एमिनिटीज मिलता है, इवन आपके बिल्डिंग में भी आपको एमिनिटीज मिल जाता है। प्रोजेक्ट है ए और बी विंग, ये आपको इंटरकनेक्टेड मिलता है, ईच फ्लोर पे आप देखेंगे 4 फ्लैट ए विंग में है, 4 फ्लैट बी विंग में, और जो टोटल फ्लोर है वो इंटरकनेक्टेड है। वास्तु कंप्लायंट आपको बिल्डिंग मिलती है, 3 लिफ्ट दिया हुआ है, एक आपका सर्वेंट लिफ्ट अलग से रहेगा, तो टोटल 4 लिफ्ट आपको मिलता है बिल्डिंग में। व्यूअर्स, बात करते हैं प्रोजेक्ट में आपको मिलता है 1 BHK और 2 BHK के लग्जरी फ्लैट। 2 BHK में व्यूअर्स आपको 2 वेराइटीज मिल जाती है, पहला जो साइज होगा आपका 646 का कार्पेट एरिया मिलता है आपको, और दूसरा जो साइज होगा आपका 663 का कार्पेट एरिया मिलता है, काफी अच्छा कार्पेट एरिया मिलता है। ऑब्वियस चलते हैं हम डायरेक्ट 2 BHK के फ्लैट में, मैं आपको दिखाऊंगा 2 BHK का एक्चुअल फ्लैट ये पूरे वीडियो में। सो व्यूअर्स, आगे हम एक्चुअल फ्लैट में, और हम जो ये वीडियो देखेंगे आज पूरा वो है 646 का रेरा कार्पेट और 2 BHK का फ्लैट है। ऑब्वियस इस वक्त हमें लिविंग एरिया में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त जो लिविंग एरिया है वो एल शेप में मिलता है आपको, डाइनिंग एरिया के साथ में है। जो लिविंग एरिया का साइज़ आपको मिलता है वो 9.6x17 का साइज़ मिलता है, डाइनिंग एरिया जो कि साथ में आपको मिलता है, और देख रहे हैं यहाँ पे आप फ्रेंच विंडो मिलता है, साथ में बिल्डर आपको हाफ ग्रिल करके देंगे। इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ लिविंग एरिया जो साइज़ है 646 का कार्पेट एरिया, 2 BHK एक्चुअल फ्लैट हम देख रहे हैं वालचंद पैराडाइज का, कनकिया लोकेशन में बन रहा है ये बिल्डिंग। और यहाँ पे आपको मिलता है सीलिंग पे देख रहे हैं आप, जैसा काम करके आपको कंप्लीट मिलेगा, LED लाइट्स वगैरह लगे हुए, फॉल सीलिंग का काम किया, फैंस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी फ्लैट के अंदर में। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लोरिंग आपको मिलती है कजारिया फ्लोरिंग। सो डाइनिंग एरिया से मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका पूरा लिविंग एरिया, जो हाइट आपको सीलिंग का मिलता है वो 11 फीट का हाइट मिलता है, यूजुअली 9.5-10 फीट होता है, बट यहाँ प्रोजेक्ट पे आपको 11 फीट का हाइट मिलता है। देखा हमने लिविंग एरिया, आ गए हम किचन में। किचन में आपको मॉडर्न प्लेटफॉर्म मिलता है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और व्यूअर्स, जो किचन का साइज़ है 7.9x10 का साइज़ मिलता है, और किचन में आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन का भी स्पेस आपको मिलता है। और व्यूअर्स, जो टैप की फिटिंग्स आपको मिलती है वो ब्रांडेड फिटिंग्स मिलती है, सिल्वर एंड गोल्ड का शेड्स में दिया हुआ है टैप्स का जो फिटिंग है पूरा। और इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ किचन एरिया, आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर का स्पेस अलग से मिलता है, वॉशिंग मशीन का स्पेस आपको अलग से मिलता है, काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है। 646 का रेरा कार्पेट हम देख रहे हैं यहाँ पे। व्यूअर्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कॉमन बाथरूम, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मास्टर बेडरूम में भी, इसका डोर आपको मिलता है एक, जो फिटिंग्स वगैरह लगी हुई है ब्रांडेड फिटिंग्स है, स्टूडियो टाइप कंसेप्ट जैसे होते हैं बाथरूम्स के वैसा दिया हुआ है, यहाँ पे डबल डोर दिया हुआ है, एक बेडरूम से आप इसको मास्टर बेड कर सकते हैं, दूसरा आप कॉमन बाथरूम भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से प्लान किया हुआ है, कॉमन बाथरूम को आप यूज़ कर सकते हैं मास्टर बेडरूम में भी। और यहाँ पर आपको मिलता है लॉफ्ट एरिया जहाँ पर आप वाटर टैंक्स वगैरह आप अपना स्टोर करके रख सकते हैं। सो देखा हमने कॉमन बाथरूम, और लेके चलता हूँ आपको मैं मास्टर बेडरूम में। सो ऑब्वियस ये आपका मास्टर बेडरूम है, और जो साइज़ आपको मास्टर बेडरूम का मिलता है वो 9.10x11.3 का साइज़ मिलता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस साइज़ है। और यहाँ पे भी आपको लॉफ्ट एरिया दिख रहा होगा वाटर टैंक के लिए। सो ये बाथरूम का जो टैंकी का कनेक्शन रहेगा वो अलग से रहेगा, प्लस में आपको 24 आवर्स वाटर सप्लाई मिलता है। और जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो माइवन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वालचंद पैराडाइज जो है पूरा माइवन टेक्नोलॉजी से बन रहा है।
इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ आपको, मास्टर बेडरूम 9.10 × 11.3 का साइज़ मिलता है आपको, काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। एंड देन हाइट आपका जो 11 फीट का हाइट है वो यूनिक पॉइंट है ये पूरे प्रोजेक्ट का। और इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ आपको मास्टर टॉयलेट, आप देख सकते हैं फुल टाइल्स किया हुआ बाथरूम आपको यहाँ पे मिलता है, और जो टाइल्स है वो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का, डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं टाइल्स का काफ़ी अच्छा है। फिटिंग्स वगैरह जो लगी हुई है वो 2 शेड्स में, सिल्वर एंड गोल्ड में मैंने दिखाया आपको जैसा। सो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी फिटिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांडेड फिटिंग्स है। मास्टर बाथरूम आपको मैं दिखा रहा हूँ मास्टर बेडरूम का, प्रोजेक्ट जो है काफ़ी लग्जरियस प्रोजेक्ट है, वालचंद पैराडाइज कनकिया लोकेशन में 646 का हम देख रहे हैं रेरा कार्पेट एरिया। इस वक्त 2 BHK मैं दिखा रहा हूँ। व्यूअर्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 1 BHK का भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, अगर आपका 1 BHK का रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं 1 BHK का वीडियो पूरा। तो इस दिखा हमने मास्टर बेडरूम, और लेके चल रहा हूँ मैं आपको कॉमन बेडरूम प्लस मास्टर बेडरूम, आप इसको कर सकते हैं जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो। सो ये हम देख रहे हैं इस पर कॉमन बेडरूम, जो बेडरूम का साइज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं वो 9.10 × 12 का साइज़ मिलता है आपको ये बेडरूम का। आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में आपको ये विंडो मिलता है, फ्रेंच विंडो दिया हुआ है हाफ ग्रिल करके बिल्डर यहाँ पे दे रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा साइज़ मिलता है आपको ये बेडरूम का भी, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। मास्टर बेड में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो 2 डोर दिया हुआ है कॉमन बाथरूम में, वहाँ से आप क्लोज़ कीजिए, ये आपका मास्टर बेडरूम हो जाएगा। सो दोनों एक तरीके से आपको मास्टर बेडरूम का फ्लैट मिलता है 646 का कार्पेट एरिया में। और ये बाथरूम जो मैं दिखाया आपको कॉमन बाथरूम, सेम एज मास्टर बेडरूम में भी आप यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको रूफ टॉप पे भी एमिनिटीज़ आपको मिलती है ये प्रोजेक्ट में, काफ़ी अच्छा एमिनिटीज़ है। और आप देखते रहिए पूरे वीडियो को, मैं और भी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ ये प्रोजेक्ट के। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ हर हफ्ते अपने चैनल पर। व्यूअर्स, आगे हम लॉबी एरिया में, आपको एक फ्लोर पर यहाँ पर 2 विंग है, एक फ्लोर पर मिलता है 4 फ्लैट, और यहाँ पे 4 लिफ्ट मिलती है, 3 आपका एक मेन लिफ्ट रहेगा। देन यहाँ पे जो स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सर्वेंट लिफ्ट आएगा, एक अलग से लिफ्ट दिया हुआ है सर्वेंट्स वगैरह को आने जाने के लिए, या कोई गेस्ट वगैरह आते हैं वो ये लिफ्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। ये पूरे स्पेस में काफ़ी स्पेशियस लॉबी आपको मिलती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। सो आगे हम विंग के एंट्रेंस में, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत एंट्रेंस यहाँ पे बन रहा है, अभी काम चालू है यहाँ पे, एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वापस से वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत एंट्रेंस रहेगा, पॉजिटिव वाइब के साथ में एंट्रेंस बना रहे हैं, रिसेप्शन डेस्क वगैरह ये सारी चीज़ें रहेगी, CCTV इंस्टॉल रहेगा कॉमन एरियाज़ में, और काफ़ी बेहतरीन एम्यूनिटीज़ के साथ में ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया हुआ है वालचंद पैराडाइज। आपको मिलता है 1 BHK एंड 2 BHK का फ्लैट, ये पूरा कम्प्लीट मैं आपको विंग का एंट्रेंस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका स्विमिंग पूल आएगा, आप देख रहे हैं ये एरिया में ठीक एंट्रेंस के सामने आपको मिलता है स्विमिंग पूल, किड्स एंड बड़े लोगों का पूल साथ में रहेगा। ये आपका विंग का एंट्रेंस पूरा आप देख रहे हैं, ग्लास का पार्टीशन किया हुआ है, 25 माले की बिल्डिंग है, और जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है माइवन कंस्ट्रक्शन, आप देख सकते हैं शटर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं माइवन के। तो ये एक 25 माले की बिल्डिंग बना रहे वालचंद पैराडाइज कनकिया लोकेशन में है। सो आप देखते रहिए आगे वीडियो में, और भी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहता हूँ। तो फिर आपने देखा एक्चुअल फ्लैट 646 का कार्पेट एरिया, होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्राइसिंग की जो डिटेल है वालचंद पैराडाइज की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपको, इवन मैंने एक लिंक आपको दिया हुआ है जहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे, लिंक पे क्लिक करते ही वहां पे मैं आपको शेयर कर दूंगा प्रोजेक्ट के ब्रोशर्स वगैरह, आपको चाहिए पेमेंट शेड्यूल चाहिए वहां पे मैं शेयर कर दूंगा आपको। सो आप लिंक पे क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे आप मेरे साथ में। और व्यूअर्स, मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लेके आते रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। व्यूअर्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होप आपको मेरा ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।